सब्सक्राइब कीजिए गृह सुनाली यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर सभी हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले जानने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गृह सुनाली। आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही खास है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो प्रेगनेंसी के बाद पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। जिस तरह प्रेग्नेंट महिला का पेट बढ़ता है, उसी तरह उसमें कई तरह के हार्मोन्स बदलाव भी देखने को मिलते हैं। इन हार्मोनल बदलावों के कारण खुजली, मुहासे, मोटापा और स्ट्रेच मार्क्स, साथ ही चेहरे पर पिगमेंटेशन, बालों का झड़ना आदि प्रॉब्लम होना आम है। ज़्यादातर महिलाओं की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है और इसी वजह से लेडीज को स्किन से संबंधित प्रॉब्लम अधिक रहती हैं। ज़्यादातर प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं में पिगमेंटेशन यानी चेहरे पर झाइयाँ या फिर दाग धब्बे की समस्या देखने को मिलती है। अगर आप भी इस प्रॉब्लम की वजह से अपनी खूबसूरती को खो बैठे हैं तो आज हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताएंगे जिनकी मदद से पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम दूर होगी और आपका चेहरा डिलीवरी के बाद भी ग्लोइंग नजर आने लगेगा। इसमें सबसे पहले आता है एलोवेरा। एलोवेरा में ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो चेहरे के डार्क स्पॉट को लाइट करने में बहुत ही हेल्पफुल है। एलोवेरा जेल को 15 से 20 मिनट के लिए रोजाना अपने चेहरे पर लगाइए और 15 से 20 मिनट के बाद अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। इससे स्किन में मौजूद झाइयाँ और दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। सेकेंड रेमेडी है टमाटर और खीरे का रस। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 चम्मच टमाटर का जूस, 2 चम्मच खीरे का जूस और 2 चम्मच कच्चा दूध। अब इन तीनों चीज़ों को एक बाउल में डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और अपने चेहरे पर लगा लें। इस पैक को 10 मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगा रहने दें और 10 मिनट के बाद अपने चेहरे को धो लें। इससे आपकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम तो दूर होगी, साथ ही आपकी स्किन सॉफ्ट और स्मूथ भी नज़र आने लगेगी। नेक्स्ट रेमेडी के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी 2 चम्मच भीगे हुए बादामों का पेस्ट और 1 चम्मच शहद। अब एक बाउल में इन दोनों चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और इसे अपने चेहरे पर लगा लें और 15 से 20 मिनट के बाद अपने चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से धोकर के साफ कर लें। नेक्स्ट रेमेडी है 2 चम्मच पपीते का पल्प, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके अपने चेहरे पर 30 मिनट के लिए लगा के रखें और 30 मिनट के बाद अपने चेहरे को नॉर्मल टैप वाटर से धोकर के साफ करें। इससे स्किन के डेड स्किन सेल्स दूर होंगी, साथ ही पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लास्ट रेमेडी है कच्चे नारियल का पानी। कच्चे नारियल में पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए एक जादुई शक्ति होती है। कोकोनट वाटर को रुई की सहायता से अपने चेहरे पर लगा लें, खास करके जहाँ पर दाग धब्बे हैं वहाँ पर इसे ज़रूर लगाएं। इसे 20 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दें और 20 मिनट के बाद अपने चेहरे को नॉर्मल टैप वाटर से धो करके साफ कर लें। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है यह इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और पसंद आने पर नीचे थम्स अप के बटन पर क्लिक करके इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। और पसंद आने पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और शेयर करने के साथ गृह सुनाली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।